जहां स्टार्टअप कंपनियां फंडिंग पाने की उम्मीद में रहती हैं, वहीं ओला के कोफाउंडर भाविश अग्रवाल ने अपनी कंपनी के लिए फंडिंग लेने से इनकार कर दिया है। जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन ने ओला में 1.1 अरब डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में देखा जाए तो तकरीबन 7.6 हजार करोड़ रुपए के निवेश का ऑफर दिया था, जिसे भावेश ने ठुकरा दिया है। दरअसल भावेश कंपनी पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सॉफ्टबैंक के 7.6 हजार करोड़ रुपए लेने से इनकार कर दिया। जापानी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मासेओशी सन सॉफ्टबैंक के प्रमुख हैं। ओला के शुरुआती दिनों में भी सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन इसमें निवेशक था। इसके बाद सॉफ्टबैंक ने ओला के प्रतिद्वंदी स्टार्टअप ऊबर में हिस्सेदारी खरीद ली। फिर सॉफ्टबैंक ने ओला और ऊबर के मर्जर की खासी कोशिश की, लेकिन भावेश ने उसके इस प्लान को अटका दिया। इस बीच सॉफ्टबैंक ने ओला को 1.1 अरब डॉलर की निवेश का ऑफर दिया। अगर ऐसा होता तो ओला में सॉफ्टबैंक की हिस्सेदारी बढ़कर 40% हो जाती। इस प्रस्ताव के सामने भावेश ने ओला में अपना कंट्रोल बनाए रखने की शर्त रखी, जिससे ये डील अटक गई। अब अग्रवाल दूसरे इन्वेस्टर से फंडिंग जुटा रहे हैं। इसी साल उन्होंने हुंडई मोटर कॉर्पोरेशन से 2,082 करोड़ रुपए और फ्लिपकार्ट के कोफाउंडर सचिन बंसल से 624 करोड़ रुपए जुटाए। तैतीस वर्षीय भावेश अग्रवाल ने 2011 में अपने इंजीनियरिंग स्कूल के दोस्त अंकित भाटी के साथ मिलकर ओला की शुरुआत की थी। फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पर देश के 100 से ज्यादा शहरों में 13 लाख ड्राइवर हैं। पिछले साल कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में सर्विसेज देना शुरू किया है। भारत में कंपनी ने फूड बिजनेस में भी एंट्री मारी है। इसके साथ ही ऊबर ईट्स, जोमैटो और स्विगी में मार्केट शेयर पर भी हिस्सेदारी कर ली है।